कंघी में करता था तब बाल उसमें आ जाते थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसा ये हेयर फॉल शुरू हो गया कि ये यूज़ करो वो यूज़ करो। तो यूज़ करते 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 बाल जो है वो पूरे झड़ गए, मतलब पूरा जो स्कैल्प का एरिया है पूरा खाली हो गया था। तो वहाँ पे लोकली एक क्लिनिक था, उसके यहाँ पे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो उन्होंने जो बाल लगाए थे वो बहुत दूर 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 ऐसे लगाए, तो वो बाल आ गए, लेकिन वो आने के बाद दिखना ऐसा लग रहा है कि अभी भी, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो बाल है वो बहुत दूर दूर दिखते हैं, तो वो बाल नेचुरल लुकिंग नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम संदेश है, मैं सांगली महाराष्ट्र से हूँ। मेरा जो हेयर फॉल है वो 2015-16 के दरमियान शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे 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 बहुत ऐसे, मतलब थोड़े 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 हेयर जो जाते रहे, और कंघी में करता था तब बाल उसमें आ जाते थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसा ये हेयर फॉल शुरू हो गया। मेरे पिताजी की तरफ से थोड़ा हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री तो है ही, और थोड़ा केमिकल बेस्ड शैम्पू और बाकी आयुर्वेदिक ऑयल ये ज़्यादा यूज करना शुरू किया, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया कि ये यूज़ करो वो यूज़ करो। तो यूज़ करते 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 बाल जो है वो पूरे झड़ गए, मतलब पूरा जो स्कैल्प का एरिया है पूरा खाली हो गया था। तो उसके बाद 2021 के एंड में मैंने एक बार हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इंक्वायरी की, तो वहाँ पे लोकली एक क्लिनिक था, उसके यहाँ पे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो उन्होंने कुछ, मतलब जो हेयर्स थे वो उन्होंने प्लांट किए, लेकिन नंबर कुछ बताया नहीं कितने ग्राफ लगे या कुछ ऐसा। तो वो पुरानी टेक्निक थी कुछ, तो FUT या कुछ तो ऐसा उन्होंने बताया था। तो उन्होंने जो बाल लगाए थे वो बहुत दूर 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 ऐसे लगाए, तो वो बाल आ गए, लेकिन वो आने के बाद दिखना ऐसा लग रहा है कि अभी भी, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो बाल है वो बहुत दूर दूर दिखते हैं, तो वो बाल नेचुरल लुकिंग नहीं है। तो इसकी वजह से जो पहले का फ्रस्ट्रेशन था, उसके बाद जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन आया वो अलग ही है। तो QST के बारे में मैं सर्च कर रहा था YouTube के ऊपर, तो कहाँ पे, मतलब बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ पे हो सकता है, फिर एक बार क्योंकि जो अभी किया हुआ है उससे उसमें थोड़ा सुधार करके कुछ और अच्छा हो सकता है, तो और हेयरलाइन भी अच्छी हो, मुझे जो टेम्पल्स बनाने हैं वो भी, मतलब बन जाए, जो मेरे एक्सपेक्टेशन है वो बन जाए। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ पे QST क्लिनिक का नाम आया, तो वहाँ पे जाके ना पूरा मैंने वीडियोज़ और उनके फ़ोटोज़ थे वो सब देखे, जो पेशेंट के रिजल्ट्स के थे, और उनका जो डिज़ाइनिंग का है, मतलब कैसे लोगों ने बताया है उसमें, वो मैंने जाके देखा, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मेरा इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। तो पहले जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें पीछे के डोनर एरिया से हेयर लिए गए थे, और जो बियर्ड के हैं वहाँ पे नीचे के भी हेयर्स लिए गए थे। तो अभी देखते हैं कि डॉक्टर्स कैसे यहाँ पे सलाह करते या ये, मतलब सलाह मसलत करते। और जो QST का मेरा जो मैंने कॉल किया इनको, इनका नंबर लेने के बाद, तो इनका जो सपोर्ट, मतलब फॉलोअप जो था वो बहुत अच्छा था। इन्होंने सब मुझे गाइड किया कि बहुत दूर दूर से फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए और यहाँ पर आके आप आपका सर्जरी कराइए। तो बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही समझदार, मतलब लोग हैं QST के। तो चलिए, मैं अभी सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, और सर्जरी की बात का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। नर्वस तो हूँ और काफ़ी एक्साइटेड भी। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं।
हेलो दोस्तों, मैं संदेश, मैं कोल्हापुर से आया हूँ और जैसे कि मैंने अभी आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर मैं QST टेक्निक से मेरी सर्जरी हो गई है और जो कि यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ का मतलब स्टाफ जो है बहुत ही हॉस्पिटैलिटी देता है, बहुत ही केयर करता है आपका और क्लीनलीनेस एकदम क्लीन यहाँ का एनवायरनमेंट है। तो वो जो एक नर्वसनेस होता है पहले जो ट्रांसप्लांट के पहले वो पूरा निकल जाता है इससे। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे 3700 ग्राफ्ट्स लगे हैं और QST टेक्निक से इसलिए कराया क्योंकि मैंने पहले भी एक टेक्निक से कराया था, पहले भी हेयर ट्रांसप्लांट, उसमें जो ग्राफ्ट थे वो बहुत दूर 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 लगे थे तो दिखने में बहुत ही मतलब ऐसा कुछ तो लगाया हुआ है जैसे हम पेड़ लगाते हैं खेत में वैसे लगाया था। तो दिखने में वो पहचानने में आता था लोगों को कि पूछते थे कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया है क्या। तो उससे मैं ऑकवर्ड फील करता था। यहाँ आने के बाद मुझे नर्वसनेस था कि पेन जो होता है वो पेन होगा, तो ऐसा फील नहीं हुआ। फर्स्ट एक दो सीरीज में जो वो एनेस्थेशिया देते हैं उस वक्त सिर्फ चीटी जैसे काटती है वैसा मुझे फील हुआ, उसके बाद पेन बिल्कुल भी नहीं था थ्रू आउट द प्रोसेस। दो दिन का प्रोसेस चला, दो दिन के प्रोसेस में बिल्कुल भी पेन मुझे महसूस नहीं हुआ। और जो स्टाफ था वो बीच बीच में मुझे पूछ रहा था कि कुछ पेन तो नहीं हो रहा है, आपको कुछ ज़रूरत है क्या, आपको कहाँ जाना है, वॉशरूम को जाना है या जाना है क्या, या कुछ खाने के लिए चाहिए क्या आपको, तो ऐसा वो पूछ रहे थे। तो केयर जो है वो अटमोस्ट थी यहाँ पर आने के बाद, तो पेन तो बिल्कुल भी नहीं था। और सर्जरी के बाद जो डॉक्टर्स थे यहाँ के, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे मेडिसिन लेना है, कैसे केयर उसका ट्रांसप्लांटेड हेयर का करना है, वो सब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे बताया। तो जो भी अभी मेरे दोस्त हैं यहाँ पर देखने वाले, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ जो भी अभी डर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट को कराने से, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पेन तो बिल्कुल होता नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप QST में ज़रूर एक बार आप आइए और यहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ का ट्रीटमेंट भी मिलेगा और जो रिजल्ट्स है वो भी आपको मिलेंगे। आप जाके यूट्यूब पे QST क्लिनिक ऐसा सर्च करके वहाँ से भी आप वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल, मतलब जो जिन्होंने यहाँ पे कराया हुआ है उनके बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।